सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है गुणा। साथियों, मुझे ये शिक्षण योजना मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप, जो आप मैंने WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है, उसके एक मेंबर जाकिर हुसैन जी ने भेजी है, जो बलरामपुर ज़िले में जिनकी पोस्टिंग है, काफ़ी होनहार शिक्षक हैं, उन्होंने ये शिक्षण योजना मुझे उपलब्ध कराई। साथियों, जाकिर हुसैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे एक शिक्षण योजना उपलब्ध कराई ताकि मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका फ़ायदा हो सके। साथियों, अगर आपके पास इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, कम से कम 300-400 शिक्षकों को इसका फायदा होगा, क्योंकि एक शिक्षक की शिक्षण योजना से हम लोग काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। अगर एक शिक्षक शिक्षण योजना बनाते हैं तो उससे हम 300-400 शिक्षकों का फायदा हो सकता है। इसलिए मैंने अपनी इन सभी वीडियो का, जो शिक्षण योजना की वीडियो हैं, उनका टॉपिक भी यही रखा है, आओ मिलकर बनाएं शिक्षण योजना। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 4 गणित की शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है गुणा। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है जाकिर हुसैन जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप 4 कॉलम खींच लेंगे, जिसमें दिनांक, विषय, कक्षा और समय। दिनांक के कॉलम में आप दिनांक नहीं लिखेंगे, विषय आपका गणित हो जाएगा, कक्षा 4 हो जाएगी और समय आपका 35 से 40 मिनट हो जाएगा। प्रकरण आपका होगा गुणा। सबसे पहले लर्निंग आउटकम ले लेते हहैं। क्या क्या लर्निंग आउट होंगे, 3 अंकों की संख्याओं से गुणा कर लेते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं 3 अंकों की संख्याओं से गुणा कर लेते हैं, गुणा के इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं, मौखिक रूप से 100, 10, 1000 से गुणा कर लेते हैं। अगर आप मौखिक रूप से उन्हें बताते हैं तो वे 100 से गुणा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर, श्यामपट, कुछ गिनती लिखे कागज के टुकड़े और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, ये सब हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आती है सीखने सिखाने की विधियां या गतिविधियां। इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा आपका चरण, तीसरा होगा समय और चौथा होगा आपका आकलन के तरीके। ठीक है, इन्होंने अवलोकन लिखा है, आप इसको आकलन के तरीके लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद पहला चरण शिक्षण के आरंभ में। तो शिक्षक बच्चों से पूछेंगे 100 × 4 गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होगी और 312 × 45 गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होगी। इस तरह के प्रश्न आप शिक्षकों से, बच्चों से पूछेंगे। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका होगा अवलोकन एवं प्रतिक्रिया। तो बच्चे बता देंगे, कुछ बच्चे बता देंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे तो उनको हम बच्चों को बता देंगे। दूसरा चरण आता है आपका शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को पहले गुणा के खंडों के बारे में बताएंगे कि गुणा के प्रमुख 3 खंड होते हैं, यानी नंबर 1 गुणन, यानी कि वह संख्या जिसमें गुणा किया जा रहा है, यानी गुणा जब हम करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले गुणन, यानी कि वह संख्या जिसमें गुणा किया जा रहा है, नंबर 2 गुणक, यानी कि वह संख्या जिससे गुणा किया जा रहा है, और नंबर 3 गुणनफल, जो संख्या गुणा करने पर प्राप्त हो उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे मोना ने अपनी गुल्लक में प्रतिदिन माँ से लेकर 25 रुपये डालती है, तो 115 दिन में उस गुल्लक में मोना ने कुल कितने रुपये डाले, इस तरह के सवाल बच्चों को बताएंगे और उसके बाद बताएंगे अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो 115 की 25 से आपको गुणा करनी होगी। इसमें जिसकी गुणा कर रहे हैं वो आपका गुण्य, यानी कि जिसमें गुणा किया जा रहा है, जिससे गुणा किया जा रहा है वो आपका गुणक, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, गुणनफल। इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगी, बच्चों की प्रतिक्रिया व सहभागिता, आकलन का तरीका होगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण के बाद। अब बच्चों को आपने गणित की गुणा सिखा दी है, शिक्षक छात्रों से प्रकरण से संबंधित सवाल पूछते हैं, जैसे 120 × 26 में गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होंगी एवं 85 × 45 में गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होंगी। इस तरह के सवाल बच्चों से पूछे जाएंगे।
इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया व सहभागिता। नेक्स्ट आता है गतिविधि। आप बच्चों को एक गतिविधि भी कराएंगे। शिक्षक छात्रों से एक आयताकार कागज के टुकड़ों को 4 समान पंक्तियों और 3 समान स्तंभों में बांटने को कहेंगे। देखिए कितने स्तंभ और कितनी पंक्तियां प्राप्त होती हैं। इस तरह की गतिविधि बच्चों को कराएंगे। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। नेक्स्ट आता है आपका गृह कार्य, यानी बच्चों को आप उसके बाद गृह कार्य देंगे। क्या गृह कार्य देंगे? निम्न कार्य को घर छात्रों से घर से करके लाने को कहेंगे। 275 × 354 और दूसरा 365 × 213। इस तरह के गुणा के सवाल बच्चों को देंगे। दूसरा, एक दुकान में विभिन्न सामानों के मूल्य लिखे हैं। इबारती प्रश्न भी दे सकते हैं आप। नंबर एक, फ्राक 320 रुपये का, स्कर्ट 120 की, जूते 250 के। बताओ दो फ्राक और एक जोड़े जूते खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे। इस तरह के सवाल आप बच्चों को गृह कार्य में दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आगामी कार्य योजना। चयनित गतिविधियों की कुशलता से क्रियान्वयन किया जाएगा। शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। तो इस तरह की शिक्षण योजना जाकिर हुसैन जी ने बनाई है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस शिक्षण योजना में बदलाव की आवश्यकता है तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना हो तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। मेरे चैनल के अपलोड करने से क्या होगा, कम से कम 200-300 शिक्षकों को इसका फ़ायदा होगा। और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।